हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटो। सो बात करेंगे एक नए इलेक्ट्रोड की। ये इलेक्ट्रोड भी एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, यानी ये हमको हेल्प करेगा ये पता करने के लिए कि आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन का पीएच कितना है या उस सोल्यूशन के अंदर एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। हर वो इलेक्ट्रोड जिससे हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं या जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अंदर कोई चीज़ कितनी प्रेजेंट है, हम उसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं। हमने पहला इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो हमने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा ग्लास इलेक्ट्रोड। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको कहा जाता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड दो चीज़ों से बना होता है। एक आपके पास होता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको आप यूज़ करोगे इसके साथ अटैच करने के लिए, और दूसरा खुद क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है जिसको आपको यूज़ करना है। ना हाउ डू यू मेक अ क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड? नाम अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है। क्विन हाइड्रोन यानी आप यहाँ पे दो सब्सटेंस लेते हो, पहला है क्विनोन और दूसरा है हाइड्रोक्विनोन। ना क्विनोन का स्ट्रक्चर ये है, हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर ये है। बस फर्क कितना है अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स में देखो कि यहाँ पर OH नहीं है और यहाँ पर OH है, यानी H प्लस और H प्लस आके अटैच हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो इसको रिप्रेजेंट मैं अगर क्यू से करता हूँ दैट इज क्विनोन, तो इसको हाइड्रोक्विनोन क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है और वो भी दो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसका फॉर्मूला मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अच्छा, दूसरी बात, आप जब भी क्विन हाइड्रोन को सेटअप करते हो आप वहां पे क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, यानी इट शुड बी एन इक्विमोलर मिक्सचर, इक्वल मोल्स का मिक्सचर होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन उठता है कि रिएक्शन क्या होगा। सर मेरा ये सेल क्या रिएक्शन करेगा, वो डिपेंड करता है आपने इसको किस मीडियम में रखा है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में रखते हो तो क्विनोन दो हाइड्रोजन को चुराएगा फ्रॉम एसिडिक मीडियम, ये आपका एसिडिक मीडियम से आएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एसिडिक मीडियम। ओके, मीडियम ये दो इलेक्ट्रो हाइड्रोजन को चुराएगा विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो क्या करेगा रिडक्शन, और वो भी किस में, एसिडिक कंडीशन में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन में। ओके, ये पहला कंडीशन, और वो उस समय किसका काम करेगा कैथोड। अगर इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में लेते हो जो हाइड्रोक्विनोन वहां पे प्रेजेंट है, वो हाइड्रोक्विनोन क्या करेगा H प्लस को लूज करेगा, दो H प्लस को, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स भी लूज करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा क्विनोन में। सो दिस इज हाउ यू राइट द रिएक्शन। अगर कोई तुमसे पूछे कि हाउ डू यू राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस, आप इसका नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है। कि मैं कैसे लिखूंगा इसका नर्स्ट इक्वेशन, इसका नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N इंटू F log टू द बेस 10। Now, product upon reactant. How do you write product upon reactant? Who's there in product side? It's hydroquinone. So this will be activity of H2Q. आपको पता है हम electrochemistry में concentration नहीं लेते, हम activity लेते हैं। There's a slight difference between activity and concentration, but हम यहाँ activity लेके चलना चाहते हैं। And reactant side में कौन हो जाएगा? Reactant side में it will be quinone. So activity of this will be activity of quinone into, and this will be activity of hydrogen plus का square. क्योंकि वहाँ पे उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अब एक काम करता हूँ, बहुत सिंपल काम करता हूँ, मैं इस चीज़ों को स्प्लिट करता हूँ। मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ? दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ध्यान से देखना, माइनस ब्रैकेट 2.303 आरटी अपॉन एन इंटू एफ लॉग टू द बेस 10। मैं क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन जो मेरे पास है मैं उन दोनों को एक साथ लेता हूँ, तो दिस विल बी एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्विनोन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ क्विनोन, ये हो गया। तो लॉग ऑफ ए अपॉन ये था ना, सो इसको मैं आगे स्प्लिट कैसे करूंगा, दिस विल बी माइनस, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, या इसको मैं लिखूंगा प्लस, दिस विल बी लॉग। आप किस पे अप्लाई कर रहे हो? आप पहले तो इस चीज को अलग कर रहे हो, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस विल बी रिटन एज इन टू वन अपॉन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस स्क्वेयर। तो लॉग ऑफ ए इन टू लॉग ऑफ बी, तो लिखते समय स्प्लिट कैसे करोगे, लॉग ऑफ ए और फिर क्या लिखोगे, इन टू है तो प्लस लॉग ऑफ बी, सो दिस विल बी प्लस 2.303 आरटी अपॉन एन एफ, this will be log to the base 10 1 upon activity of hydrogen plus ka square bracket close। I hope samajh mein aaya, mujhe ummeed hai ye step bahut important aur aapko samajh mein aayi। ab isko main aise likhunga, this will be equal to e not of cell माइनस ब्रैकेट। अब देखो हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन यहाँ पे लिया, हमने इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या लिया, आप इक्विमोलार मिक्सचर लेते हो और वो इक्विमोलार मिक्सचर जो है उसका मतलब होता है कि आपके पास हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा या जो एक्टिविटी होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। पहली बात तो दोनों पानी में डिजोल्व नहीं होते, बहुत कम सोल्युबिलिटी दिखाते हैं। दूसरी बात, दोनों की सोल्युबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो आई कैन से सिंस
एक्टिविटी ऑफ एच ओ टू क्यू विल बी इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ, दिस विल बी एक्टिविटी ऑफ क्विनोन। तो मेरा ये जो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले में मैं सब्सिट्यूट का क्या करूँगा, 2.303 आर टी अपॉन एन इंटू एफ लॉग टू द बेस 10। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। एंड दिस विल बी माइनस, माइंड इट मैं माइनस लिख रहा हूँ, क्यों मैं माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को इन्वर्स कर रहा हूँ। तो दिस विल बी 2.303 आर टी अपॉन एन इंटू एफ, और ये माइनस हो जाएगा तो लॉग टू द बेस 10 एक्टिविटी ऑफ एच प्लस का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 इज 0, तो डोंट यू फील, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E not of cell, अब when I'm saying cell, actually मुझे वहाँ cell नहीं लिखना चाहिए, मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए क्विनहाइड्रोन, क्योंकि मैं वहाँ क्विनहाइड्रोन का निकाल रहा हूँ। सो लेट मी राइट QH, QH का मतलब होता है क्विनहाइड्रोन, सो दिस विल बी QH, तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए, QH, क्विनहाइड्रोन का मैं ये इक्वेशन निकाल रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर क्विनहाइड्रोन, ओके। सो इसको मैं सब जगह रिप्लेस कर देता हूँ क्विनहाइड्रोन, सो दिस विल बी माइनस, अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब अंदर भी माइनस है, जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस विल बी 2.303 आर टी अपॉन एफ। अब एन का वैल्यू कितना है, जरा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो एक काम करो उधर 2 लिख दो, दिस विल बी 2 इन्वॉल्व, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को नीचे ले लो, सो दिस विल बी 2 इनटू, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा, लॉग टू द बेस 10 एक्टिविटी ऑफ, this will be activity of hydrogen plus bracket, okay, I have removed bracket, ठीक है। Now, इससे मुझे क्या मिलेगा, अब देखो मुझे एक चीज पता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ क्वीन हाइड्रोन या हाइड्रोक्विनोन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्विनोन इज प्लस 0.699, सो दिस विल बी 0.699। नाउ प्लस 2.303 RT log to the base 10 A activity of H plus, एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, और फॉर्मूला ये कहता है कि pH will be equal to minus log to the base 10 activity of H plus ion, or you can say concentration of H plus ion, activity की जगह हम बहुत बार concentration of H plus ion लिखते हैं जब मेरे पास बहुत dilute solution होगा, ओके। तो एक काम करूंगा ना, वहां log to the base 10 H plus ion है, तो अगर मैं minus को shift कर दूं तो मैं उधर pH लिख सकता हूं, तो formula क्या हो जाएगा, minus 2.303 RT upon F, और यहां क्या आ जाएगा, pH। मुझे उम्मीद है क्वीन हाइड्रोन का ये फॉर्मूला आपको कैसे आया, समझ में आ गया ना। इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ, कैसे, इस पूरी चीज़ को मैं एक स्मॉल नंबर के साथ लिख सकता हूँ, और वो हो जाएगा 0.699 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं आएगा, एंड दिस विल बी पीएच, बिकॉज यहाँ से एफ मैंने यूज़ कर लिया है। सो दिस विल बी ई ऑफ क्वीन हाइड्रोन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके अब हम देखेंगे कि किस तरह, अगर मैं इस सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम में लेता हूँ तो क्या होगा, और अगर बेसिक मीडियम में लेता हूँ तो क्या होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, और इस फॉर्मूले का यूज अब मैं करने वाला हूँ गिवन कंडीशंस में, ठीक है। तो मैं रब करता हूँ इसको ना, हमको पता है कि हमारा क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है वो एसिडिक मीडियम में अलग कंडीशन अलग बिहेव करता है, और बेसिक कंडीशन में वो अलग बिहेव करता है। एसिडिक कंडीशन में वो रिडक्शन करता है, बेसिक कंडीशन में वो ऑक्सीडेशन करता है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन के साथ, लेट्स से कि हमने उसको एसिडिक कंडीशन में लिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे बिल्डअप करते हैं, मेरे पास सॉल्ट ब्रिज होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होगा, ये साइड में कौन आएगा और ये साइड में कौन आएगा, बिकॉज ये साइड में हमेशा मैं किसको लिखता हूं, मैं ये साइड में हमेशा एनोड को लिखता हूं, और ये साइड में मैं हमेशा कैथोड को लिखता हूं। तो मेरा एनोड एसिडिक कंडीशन में कौन हो जाएगा, मेरा एसिडिक कंडीशन में एनोड हो जाएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्योंकि अब मेरा एसिडिक कंडीशन में कैथोड का काम कौन करने वाला है, मेरा क्वीन हाइड्रोन, तो यहां पे कौन हो जाएगा, क्वीन हाइड्रोन, QH से लिखता हूं मैं उसको, ओके। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो जो मेरा गैल्वेनोमीटर है, वो मेरा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इन दोनों के बीच का रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेगा, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। तो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे आएगा, ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। और हमने थोड़ी देर पहले ये डिराइव कर लिया कि अगर ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है और अगर वो रिडक्शन करता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है सर, याद रखना, क्योंकि जब हमने
इसको डिराइव किया, इस वैल्यू को जब हमने डिराइव किया तो हमने रिडक्शन रिएक्शन को रेफरेंस मान के डिजाइन किया। हम चाहते, हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया था। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाता, उस समय वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता। हमने क्या किया है, हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया है तो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया। सो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ना क्वेश्चन ये उठता है कि अब कैथोड कौन है, कैथोड 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 तो क्वीन हाइड्रोन है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0.69 माइनस 0.0591 ऑफ पीएच माइनस ई नॉट ऑफ ये एनोड। एनोड आपका कैलेमल, और कैलेमल का वोल्टेज तो हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है 0.242। अगर वो सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड है तो उसका वोल्टेज इतना होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.457। मैं इस टर्म को और इस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं और मेरे पास ये ऑलरेडी है 0.0591 ऑफ pH एंड दिस विल बी ई ऑफ सेल, यानी पूरे सेल का वोल्टेज कितना है। नाउ इससे मुझे pH मिल जाएगा, व्हाट विल बी pH, pH विल बी इक्वल टू, अब इस पूरे टर्म को मैं यहां लेऊंगा तो इसको वहां मुझे टर्न करना पड़ेगा, दिस विल बी 0.457, इसको यहां लेके आओ और इसको वहां लेके जाओ, सो माइनस ई ऑफ सेल। ओके, अब उसके बाद इसके साथ 0.0591 था, उसको नीचे लेके जाओ, सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.0591, और ये आपका फॉर्मूला है। आप इसके बेसिस पे पीएच मेजर कर सकते हो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन में है। तो आपको करना क्या है, आपको एसिडिक सॉल्यूशन को यहाँ पे लगाना है, आपको पीएच देखना है, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और आपको बड़े आसानी से ये मिल जाएगा। याद रखना, इस केस में आपका कैथोड का काम कौन करेगा, क्वीन हाइड्रोन, और एनोड का काम कौन करेगा, कैलेमल इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप किसको कहाँ मेंशन कर रहे हैं। सर दूसरी कंडीशन पे आते हैं, मान लो अगर दूसरी कंडीशन में वो बेसिक मीडियम में है, इट्स प्रेजेंट इन बेसिक मीडियम, तब आपका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा। सर उस समय आपके पास एक सॉल्ट ब्रिज होगा, ये साइड में आप क्या लिखोगे, ये साइड में आपका आएगा एनोड, और ये साइड में आपके पास कौन आएगा, ये साइड में आपके पास आएगा कैथोड। ओके, एम आई करेक्ट ना, एनोड का काम कौन करेगा, भाई बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में तो मेरा क्वीन हाइड्रोन किसका काम करता है, एनोड का, तो यहां कौन आ जाएगा, क्वीन हाइड्रोन, और एसिडिक बेसिक मीडियम में फिर कैलेमल किसका काम करेगा, कैथोड का, तो यहाँ क्या होना जाएगा, कैलेमल इलेक्ट्रोड। मुझे उम्मीद है दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये मीडियम पे फर्क पड़ता है कि मीडियम जैसा रहेगा उस हिसाब से आपका क्वीन हाइड्रोन अपना रोल बदल देता है। अब ओवरऑल सेल वोल्टेज कितना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, सो दिस विल बी ई ऑफ सेल will be equal to E of cathode minus E of anode. This is anode and cathode. Cathode कौन है, cathode is कैलेमल electrode. See, ये आपका cathode है, कैलेमल, कैलेमल का value तो fix होता है, कितना होता है 0.242 minus anode. अब anode मतलब कौन हो गया आपका, anode is क्वीन hydron. क्वीन hydron का मतलब ये value आएगी, so this will be 0.699 minus 0.0591 of pH. ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बी 0.242 माइनस 0.699 प्लस 0.0591 ऑफ पीएच। नाउ इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 0.457 प्लस 0.0591 ऑफ पीएच, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ई ऑफ सेल। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट आपको किस तरीके से करना है कि पीएच को वहीं रखना है और बाकी चीज़ों को यहाँ शिफ्ट करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच विल बी इक्वल टू, मैं इस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको वहीं रखूंगा और इस चीज़ को यहाँ घुमाऊंगा, तो दिस विल बी ई ऑफ सेल माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ उधर जाने वाली है, 0.457 होल डिवाइडेड बाय 0.0591। दिस विल बी द फॉर्मूला जब आप यूज करोगे बेसिक मीडियम में। ओके, दिस विल बी इन बेसिक मीडियम। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका मीडियम कैसा है उस हिसाब से आपको उसका पीएच मिलेगा। ठीक है, तो सर मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया कि अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो किस तरीके पीएच निकालते हैं, अगर बेसिक मीडियम में अगर क्वीन हाइड्रोन काम कर रहा है तो किस तरीके से उसका पीएच निकाला जाता है। ये दो फॉर्मूलेज में फर्क से कुछ नहीं है, इन दो फॉर्मूले में फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर की वैल्यूज शिफ्ट हो जाती हैं, सिर्फ ऊपर की वैल्यूज शिफ्ट हो जाती हैं, और आपका एनोड और कैथोड का रोल बदल जाता है। आपका पहले कैलेमल एनोड का काम कर रहा था, अब एनोड का काम क्वीन हाइड्रोन करेगा। मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आया और किस तरीके से आप इसका यूज़ करते हो, इसका रिएक्शंस, इसका डेरिवेशंस बहुत सिंपल है। थैंक यू।